अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा सूरह इखलास पढ़ने के फायदे और सूरह इखलास की फजीलत। हदीस की रोशनी में सुनन तिर्मिजी के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं सूरह इखलास से मोहब्बत करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें सूरह इखलास की मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। और एक शख्स ने किसी को इसी सूरत को जो है रात में दोहराते हुए यानी बार बार पढ़ते हुए देखा, तो उसने सुबह आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैंने एक शख्स को रात सूरह इखलास को बार बार वो दोहरा रहा था, पढ़ रहा था, उसको पढ़ते हुए देखा। तो मतलब यह है कि वो उसके सवाब की कदर और उसके सवाब को नहीं जानता था कि इसका कितना बड़ा सवाब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इतना सुना तो सुनने के बाद मेरे साथ फरमाया कि कसम है उस रब्बे कायनात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है कि यह सूरत यानी सूरह इखलास एक तिहाई कुरान के बराबर है, यानी तिहाई कुरान के बराबर है। और मुसनद अहमद की एक रिवायत ये भी है कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम में से किसी को ये ताकत नहीं है कि वो तिहाई कुरान की तिलावत कर सके? तो सहाबा कहने लगे कि ये किससे हो सकता है? तो आपने फरमाया, सुनो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये तिहाई कुरान के बराबर है। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। तो आपने फरमाया, जब आपने इस बात को सुना तो सुनने के बाद में फरमाया कि अबू अय्यूब अंसारी बिल्कुल सही कहते हैं, दुरुस्त कहते हैं। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने इस बात को जब कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू अय्यूब अंसारी सही कहते हैं कि ये एक तिहाई कुरान के बराबर है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, अब इसके पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं वो आप बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। नंबर एक, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत 300 गजब के दरवाजे बंद करेगा। 300 गजब के दरवाजे बंद करेगा, मसलन दुश्मनी, कर्ज, फितना वगैरह और इसी तरह के बहुत सारे दरवाजे बंद कर देगा, जिससे कि आपको आफियत ही आफियत होगी। नंबर दो, 300 दरवाजे अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए रहमत के खोल देगा। जो शख्स भी सूरह इखलास को रोजाना पढ़ेगा, या तो रात को सोते टाइम पढ़ें, या सुबह को पढ़ें, या शाम को पढ़ें, तो जो शख्स सूरह इखलास को रोजाना पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला 300 दरवाजे गजब के उसके ऊपर बंद फरमा देगा और 300 दरवाजे उसके ऊपर रहमत के, बरकत के खोल देगा। सुभान अल्लाह। नंबर तीन, तीसरे नंबर पर आता है कि 30 दरवाजे रिस्क के खोलेगा। कितने? 30 दरवाजे रिस्क के खोलेगा। अल्लाह तबारक व तआला गैब से रिस्क देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ये है, वो जिसे चाहे तो पल भर में अमीर बना दे, वो जिसे चाहे तो पल भर में गरीब कर दे। तो जो शख्स भी सूरह इखलास को रोजाना पढ़ेगा, रोजाना दोहराएगा, तिलावत करेगा, तो अल्लाह पाक उसके लिए 30 दरवाजे रिस्क के खोल देगा। नंबर चार, चौथे नंबर पर आता है कि जो शख्स सूरह इखलास की तिलावत करता है तो अल्लाह पाक उसके इल्म में इजाफा फरमाता है, उसके इल्म में ज्यादती अता फरमाता है। नंबर पांच, पांचवें नंबर पर आता है कि 36 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। जो शख्स सूरह इखलास की तिलावत करेगा तो उसे 36 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा, जो सूरह इखलास को दोहराएगा। नंबर पांच, नंबर ये छठे नंबर पर आता है, 50 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह, जो शख्स सूरह इखलास की तिलावत करता है तो अल्लाह पाक उसके
50 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। नंबर 7, सातवें नंबर पर आता है कि जो शख्स सूरह इखलास की रोजाना तिलावत करता है, रोजाना दोहराता है, बार बार पढ़ता है, तो अल्लाह पाक जन्नत में उसे 20 महलात अता फरमाएगा। कितने? 20 महल, जैसे कि याकूत, मरजान, मोतियों से जड़े हुए, मोतियों से बने हुए, अगर आप उसके अंदर होंगे तो बाहर का बिल्कुल अंदर से साफ दिखाई देगा। तो ऐसे महलात आपको 20 अता फरमाएगा। नंबर 8, आठवें नंबर पर आता है कि हर बंगले के 70,000 दरवाजे होंगे। कितने? 70,000। इतना बड़ा महल होगा कि हर बंगले के 70,000 दरवाजे होंगे, और आपको जन्नत में कितने बंगले मिलेंगे, कितने महल मिलेंगे? 20। और 20 महल में से एक महल के 70,000 दरवाजे होंगे। अब आप अंदाजा लगाइएगा, जिस दरवाजे से आप चाहें अंदर जा सकते हैं, जिस दरवाजे से आप चाहें बाहर जा सकते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ी शान है, और जो शख्स सूरह इखलास की तिलावत करता है तो उसे ये शान अता की गई है कि उसे ये महलात अता किए जाएंगे, उसे ये महलात मिलेंगे। आठवें नंबर पर आता है 2,000 रकात नफल नमाज पढ़ने का उसे सवाब मिलेगा। अगर कोई शख्स रोजाना बार बार सूरह इखलास की तिलावत करता रहता है, दोहराता रहता है, तिलावत करता रहता है, दोहराता रहता है, तो इसका दोहराना, इसका बार बार पढ़ना, तो ये इसके मिसल होगा जैसे किसी ने 2,000 रकात नफल नमाज पढ़ी हो। जितना उसको सवाब मिलेगा उतना ही, जितना 2,000 रकात नमाज नफल पढ़ने का मिलता है उतना ही सवाब इसको दोहराने का आपको मिलेगा। नंबर 9, नवे नंबर पर आता है, नौवां फायदा इसका ये है कि जब भी इंसान मरेगा, यानी जो सूरह इखलास की तिलावत करता है, तो जब भी वो इस दुनिया से जाएगा तो जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते उसके शरीक होंगे। किसके? जो सूरह इखलास की रोजाना तिलावत करता है, बार बार दोहराता रहता है, बार बार पढ़ता रहता है, तो उसका जब भी इंतकाल होगा तो 1,10,000 फरिश्ते उसके जनाजे में शरीक होंगे। तो ये इसकी फजीलत है और ये इसकी अजमत है। तो अगर आप देखिएगा, सूरह इखलास ये वो सूरत है कि हर नमाजी को याद होती है, क्योंकि नमाज में ज्यादातर लोग इसी सूरह इखलास को पढ़ा करते हैं। अगर कोई कुरान शरीफ पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो तब भी उसके सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद याद होती है। तो अगर आपको भी सूरह इखलास याद है और आपने इसकी फजीलत सुन ली है और आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया है, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, अपना नाम लिखिएगा कि इस वीडियो को सुनने के बाद दिल के अंदर आपके भी जज्बा पैदा हो गया होगा कि इसकी ये फजीलतें हैं और अल्लाह पाक ये इनामात से नवाजता है। तो कौन कौन आज से पढ़ना शुरू करेगा, चाहे दो बार पढ़ें, एक बार पढ़ें, तीन बार पढ़ें, कौन कौन नीचे कमेंट जरूर करिएगा, अपना नाम लिखिएगा और ये लिखिएगा, इंशाल्लाह आज से हम सूरह इखलास जब भी वक्त मिलेगा रात को सोते टाइम सुबह को उठ करके एक बार, दो बार, तीन बार जरूर पढ़ा करेंगे। तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उनके लिए दुआ करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।